मुंबई की धरती से मैं देश के मिडिल क्लास को, हमारे मध्यम वर्ग का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपकी ईमानदारी से, आपके सहयोग से ये चौकीदार गरीब कल्याण के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम कर पाया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सिर्फ लाल किले पर से इतना ही आग्रह किया था कि अगर आप गैस की सब्सिडी छोड़ सकते हैं तो छोड़िए, गरीबों का भला हो जाएगा। लाल किले पर से मुश्किल से एक वाक्य बोला था। एक अपील पर करोड़ों देशवासियों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। दोस्तों, ये सभी मध्यम वर्ग के मेरे भाई बहन हैं और परिणाम आपके सामने हैं। देश की करोड़ों बहनें जो लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती थी, एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं उन मां के शरीर में जाता था। छोटे छोटे बच्चे घर में उस धुएं में अपना बचपन गुजारते थे। इन करोड़ों गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन मिला, धुएं से मुक्ति मिली। कारण, मेरे मध्यम वर्ग के भाइयों बहनों ने मेरी एक अपील पर करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। भाइयों बहनों, ऐसा ही एक छोटा सा विषय मैंने रेलवे वालों के सामने रखा था। मैंने कहा, रेलवे का जो रिजर्वेशन का फॉर्म होता है उसमें इतना लिखो कि भाई मैं सीनियर सिटीजन हूं, लेकिन मुझे जो सब्सिडी मिलती है वो मैं लेना नहीं चाहता, मैं पूरी टिकट लेना चाहता हूं। आप हैरान हो जाएंगे भाइयों, हमारे मध्यम वर्ग के लोगों की ईमानदारी देखिए। अभी तो इस बात को मुश्किल से एक साल हुआ है, 40 लाख सीनियर सिटीजन ने रेलवे की सब्सिडी छोड़ दी, पूरी टिकट के पैसे देकर के रेलवे में सफर किए। मैंने देश के सामने स्वच्छता का विषय रखा था और मैं गर्व से कहता हूं, मुंबई से कई युवा संगठन, कई समाज से भी लोग उस अभियान को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं, स्वच्छता का काम कर रहे हैं। समंदर के किनारों को साफ करने के लिए वो जिस तरह मेहनत करते हैं, बहुत प्रशंसनीय है। दोस्तों, साथियों, आज देश में सबसे ज्यादा, और ये बात हम गर्व से सीधा ठोक करके बोल सकते हैं, दोस्तों, आज देश में सबसे ज्यादा अगर रक्तदान कोई करता है तो मध्यम वर्ग के परिवार करते हैं। सबसे ज्यादा चक्षुदान, आंखों का दान अगर कोई करता है तो मध्यम वर्ग के लोग करते हैं। सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए देहदान करने वाले लोग हैं तो मध्यम वर्ग के लोग हैं। राष्ट्र निर्माण में आपके इस योगदान के लिए मैं आपको, देश के मिडिल क्लास को नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, पहली बार पार्लियामेंट में जब हमारे वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी, उस समय वित्त विभाग उनके पास था, बजट पढ़ रहे थे, पहली बार हिंदुस्तान के बजट में टैक्स पेयर को हमने सार्वजनिक रूप से थैंक यू कहा। यह हमारी बदली हुई सोच का परिणाम है। ये मिडिल क्लास और ईमानदार टैक्स पेयर का ही योगदान है कि आज दुनिया के सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम
आयुष्मान भारत योजना सफलता के साथ चल रही है। और मैं जब पैदा हुआ तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे जो सॉफ्टवेयर दिया है उसमें छोटा सोचने की मेरी आदत ही नहीं है, मुझे बहुत बड़ा सोचना बड़ा कर रहा। और इसलिए ये आयुष्मान भारत स्कीम भी इतनी बड़ी है जी, अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन, मेक्सिको की टोटल पॉपुलेशन, इन तीनों को मिला करके जितनी संख्या है उससे ज्यादा लोगों को भारत में आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये ताकत है इस देश की। ये मिडिल क्लास और ईमानदार टैक्स पेयर का ही योगदान है कि देश के हर बेघर को 2022 तक पक्का घर देने का संकल्प हम ले सके हैं। साथियों, ये मिडिल क्लास और ईमानदार टैक्स पेयर का योगदान ही है कि आज दोगुनी गति से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। भाइयों और बहनों, ये मिडिल क्लास ये काम आज से नहीं बल्कि दशकों से निरंतर करता आ रहा है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसको सबसे अधिक अवसर देश की जनता ने दिया है, वो क्या कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। और मैं मुंबई के माध्यम से देश के मिडिल क्लास को आग्रह पूर्वक एक बात पर गंभीरता से सोचने के लिए बताना चाहता हूं। अधिकृत रूप से कांग्रेस के जिम्मेवार व्यक्ति कहते हैं कि मिडिल क्लास बहुत सेल्फिश होता है, लालची होता है। मैंने मिडिल क्लास देश के लिए क्या कर रहा है उसका कुछ सैंपल आपके सामने रखा है। मैं गर्व करता हूं मेरे देश के अंदर आज देश को चलाने की ताकत मिडिल क्लास का जो बल्क बढ़ रहा है उसके कारण है। और कांग्रेस पार्टी आपको सेल्फिश कहे, लालची कहे, ये आपका अपमान है कि नहीं है जी? ये सिर्फ ऐसे ही गाली नहीं निकली है, ये इनकी पक्की पकाई सोच का परिणाम है। और इनके ढकोसला पत्र, उनका मैनिफेस्टो, उसको देख लीजिए। एक बार भी, बहुत गंभीर बात है, एक बार भी उन्होंने मिडिल क्लास के संबंध में एक भी बात नहीं कही है।